वेलकम बैक टू शू स्ट्रिंग ट्रैवल, ऑल योर गुड एंड स्टेइंग सेफ। तो बहुत दिन से मैं कहीं गया नहीं हूँ, तो सोचा आज घर से निकल के कहीं जाओ। अभी मैं नज़दीक में मुंबई के आउटस्कर्ट्स में भाइंदर से नज़दीक है एक जगह, वहाँ जा रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत है जैसे कि मैंने पिक्चर्स और वीडियोज़ में देखे है। तो एकदम कोस्टल रोड है और काफ़ी पॉइंट्स है जहाँ पे मतलब चर्चेज है एंड जेटीज एंड ऑल। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो लेट्स गो एंड चेक हाउ दिस प्लेस इज। तो एक नया दिन, आज तारीख है अक्टूबर 23 एंड अभी बज रहे सुबह के 9:11। अभी मैं जा रहा हूँ उत्तन लाइट हाउस। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं गया था बट मैं उत्तन जेट्टी तक ही जा पाया था और उसके आगे कुछ इमरजेंसी आ गया, देन फिर वापस आना पड़ा था। तो इस बार कभी प्लान किया है जाने का, तो अभी प्लान है उत्तन लाइट हाउस जाने का। तो उत्तन जेट्टी से थोड़ा आगे ही एक लाइट हाउस भी है, तो वहाँ जाने का प्लान है। और वहाँ से 1 किलोमीटर के रेंज में वेलंकनी चर्च भी है, तो वहाँ जाएंगे। पता नहीं था मेरे घर के नज़दीक में लाइट हाउस भी है, मतलब इतना भी नज़दीक नहीं है बट हाँ ये नहीं पता था कि लाइट हाउस है। ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है, बस थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो यूजुअली मैं जल्दी निकल जाता हूँ। पता नहीं यार अलार्म बजा ही नहीं, या अलार्म बजा मैं उठा नहीं, तो लेट हो गया। एक्चुअली मुझे 7:30 बजे निकलना चाहिए था बट अभी बजे है 9, तो थोड़ा धूप ज़्यादा बढ़ गया है। कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं जाके आ भी जाऊँगा जल्दी। ये अभी मैं जा रहा हूँ जो प्लेस, इसका नाम मोरवा सॉल्ट पैंस है और इसको मैंने गूगल मैप में ढूंढा, गूगल मैप से मिला मुझे ये। तो यहाँ पे मैंने जिस पिक्चर्स में देखे बहुत सारे सॉल्ट पैंस है, तो मैं सोचा जाके एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे रास्ते पे ही है। तो ये देखो कितना खूबसूरत है ये, ऐसे लग रहा है अभी सिटी से बाहर आ गए एकदम, यहाँ से लेफ्ट बता रहा है। यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो सॉल्ट पैंस है सारे। देखते हैं ड्रोन से कैसे दिखता है ये। Thank you.
तो ये थे सॉल्ट पैंस। अभी मैं यहाँ पे हूँ सॉल्ट पैन के यहाँ पे, और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये पॉइंट पे जो पूरा की कोस्टल रोड है जैसे आप देख रहे हो, और इसको डोंगरी कहा जाता है क्योंकि ये हाइट पे है, जो यहाँ पे दिख रहा है माउंट छोटा सा हिल इसके हाइट पे, और शायद ये कोस्टल रोड है पूरा, तो फुली अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। और यहाँ पे एक जेटी भी है, तो लेट्स गो। काफ़ी अच्छा रोड है ये, आजू बाजू सब ग्रीनरी ग्रीनरी है। सिटी से थोड़ा बाहर निकलते ही सही लगता है, यहाँ पे एकदम कम ट्रैफिक, कम लोग, ठंडी ठंडी हवाएं। हाँ, मस्त लग रहा है, ऐसे लग रहा है मुंबई से अचानक से गोवा में आ गया। बस यहाँ पे ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स है बस, और लोग आते जाते हैं बीच बीच में। अभी तो बार बार आना हो रहा है यहाँ पे, तो 2 वीक में मैं 3-4 बार आ चुका हूँ आई थिंक यहाँ पे, ये चौथी बार है। लास्ट फ्राइडे सैटरडे संडे आया था मैं, सारे जगह कवर नहीं कर पाया था, अभी भी कर नहीं पाया हूँ कवर। आज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर। अगर किसी को बाइक राइड करना है ना भाईंदर या मीरा रोड के आसपास, तो ये सबसे बेस्ट जगह है। और ख़ास करके अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो उससे भी बेस्ट। वैसे यहाँ पे झाड़ इतने हैं कि ना पता नहीं चल रहा है धूप का। छोटा सा पॉन्ड, और ये छोटा स्पीड ब्रेकर फिर से। यहाँ पे एक मंदिर है, अब तो सब बायाट हो गया है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं। ये पूरा छोटा सा हिल टाइप है, इसके लिए इसे डोंगरी कहते हैं। तो अभी ये जो है स्टीप, ये हम हिल के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे एक दरगाह आएगा, दरगाह मंदिर चर्च सब कुछ है यहाँ पे। देखो आगे दरगाह है वो वहाँ पे। इसका नाम है नुसरत सैयद बालेशाह पीर दरगाह, सर्व भाविकांचे हार्दिक स्वागत। यहाँ पे ये डक्स हमेशा होते हैं, तो पानी पीने आते हैं शायद। मुर्गियाँ कहाँ जा रही है, जहाँ पे घर है, मैं घर से आई है वहाँ। संभाल के चलाना पड़ता है, पता नहीं कब कौन भाग के आ जाए। तो अभी आए हैं जेटी,
ये है राइट साइड में जेट्टी। तो अभी आया हूँ मैं जेटी में और ये ऐसा दिखता है यहाँ का जेटी। सारे बोट्स यहाँ पे आते हैं और अभी जस्ट मैंने एक फ़िशरमैन से बात किया तो बता रहे कि मैंने उनसे पूछा कि कितना दिन लगेगा तुमको मच्छी जहाँ वो जा रहे थे अभी बोट से कहीं पे तो जा रहे थे। आप कहाँ रहते हो? अच्छा तो बोट से जाना पड़ता है आपको? नहीं, चला ना, मनोरी मनो के लिए चला। अच्छा अच्छा, अभी कितने दिन के बाद आएंगे? दो दिन में आ सकते हैं, पंद्रह दिन भी लग सकते हैं, दो हफ्ता भी लग सकता है। मच्छी के ऊपर है, मच्छी कितना मिलेगा उसके ऊपर। अभी कितने दिन रहोगे आप पानी? हम सोमवार मंगलवार को आएगा बस अभी जाएगा। अच्छा मतलब दो तीन दिन में आ जाओगे? तो एक संडे जाने के बाद आएगा। दो हफ्ते के बाद? अच्छा पंद्रह दिन के बाद? पंद्रह दिन नहीं होगा, दस दिन। दस दिन होगा। तो आप कैसे मतलब बोट में ही रहोगे क्या? खाना पीना सब बोट में? तो एक हफ्ते का पूरा खाना पीना लेके जाते? एक हफ्ते का ना, महीना पर कभी कभी। अच्छा, महीना भी होता है, हो सकता है। तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना पड़ता है। और फिर मतलब खाने में क्या लेके जाते हैं? ऐसा तो नहीं, वो बोट में खाना बनना था। अभी मच्छी आएगा तो मच्छी का ही। अच्छा। सालन बिलोन बनाता है। अच्छा वही पे बनाते हो मच्छी? उधर ही बनाते, चावल और मच्छी। रात के टाइम में चपाती लेके जाते हैं, रात के टाइम में, दोपहर के टाइम में चाव। अच्छा आपको अच्छा लगता है काम उधर? अच्छा क्या, बर्फ वो आए भी बहुत रहता है। अच्छा, आठ टन बर्फ लेके जाते हैं, आठ टन बर्फ खत्म हो गया। बराबर। आपको आपका काम अच्छा लगता है? काम तो करना ही पड़ता है, अपना धंधा ही है। बराबर, कमाई के लिए तो करना ही पड़ता है, पूरा रात तो जाता ही। अच्छा तो आप ये बोट में जाओगे क्या? एक बोट में कितने लोग जाते हो? कोई बोट में 20 आदमी जाता, कोई 18 आदमी जाता, कोई 16 आदमी जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका सफ़र कामयाब रहे, जल्द से जल्द वापस आ गया। जल्द से जल्द वापस आए करना तो हमको भी अच्छा लगता है। बराबर, परिवार से मिल सकते हैं। निकलने पर ही करना पड़ता है ना गर्मी, तो रस्सी खींचने की बोट तक टूट जाता है। रास्ते पे एक जगह पे रुक गया मैं और देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बोट्स हैं बहुत सारे और यहाँ पे आप देखोगे तो मच्छी सुखा रहे हैं, एकदम फ्रेश मच्छी लग रहा है जो कि ये लोग सुखा रहे हैं। तो ये मेरे पीछे है बहुत सारा सूखा मच्छी, जैसे कि आप देख रहे हो ये सुखाया गया है। और वो साइड है पूरा पानी और बहुत सारे बोट्स है और नीचे एक जेटी भी है। और ये एरिया पूरे यहाँ मोस्टली फिशरमैन्स एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं मोस्टली देख रहा हूँ सारे फिशरमैन्स ही दिख रहे हैं मुझे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर स्टॉप लिया। Thank you.
यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी है, आके कोई किसी को रहना है तो रह भी सकता है। ये रहा राइट साइड में, इसका नाम निसर्ग है। और यहाँ पे सूखा मच्छी स्प्लिट किया जा रहा है, इसको डाल रहे लोग। यहाँ पे और थोड़ा सा सूखा मच्छी, ये चर्च है जैसे कि आपको पता नहीं था, शायद इसका नाम सेंट एंड्रयूज चर्च है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, सेंट एंड्रयूज स्कूल भी है इसके अंदर, या तो स्कूल ही है आई थिंक, चर्च नहीं है। आप कौन से चैनल हो? हाँ, चैनल आपका YouTube? शू स्ट्रिंग ट्रैवल यूट्यूब में। कौन सा चैनल है? शू स्ट्रिंग ट्रैवल। क्या? शू स्ट्रिंग ट्रैवल। वो सारे फिशरमैन के नेट्स हैं, देखो मच्छी लेके जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत रोड है, सारे जगह घर ही घर है, और सारे जैसे कि मैंने बताया फिशरमैन के घर ही है। यहाँ पे बस भी आता है MBMT का, आगे जो देख रहे हो, तो अगर किसी को बस से आना है तो बस से भी आ सकता है आई थिंक। अब शायद मुझे लोकेशन पे लगाना पड़ेगा कि यहाँ से आगे का रास्ता मेरे को पता नहीं है। उत्तन लाइट हाउस नज़दीक होना चाहिए। ये देखो हाथ की क्या हालत हो गई है। ओह शिट, मैंने अभी देखा मेरा बैटरी 2% है, दैट मींस आई कांट यूज़ नेविगेशन नाउ। तो मुझे कैसे जाऊँगा मैं? पेट्रोल पंप आएगा, ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से सीधा जाऊँगा। ये पेट्रोल पंप आएगा, यहाँ से सीधा 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 जाना है, सीधा जाना है उत्तन लाइट हाउस आएगा। ठीक है, अभी एक ही रास्ता है, बैटरी बचा के रखना पड़ेगा, और मुझे यहाँ से अभी सीधा सीधा जाना पड़ेगा पूछ पूछ के। अभी बैक टू ट्रेडिशनल लाइफ, जब मैप नहीं हुआ करते थे, देखते तभी कैसा था एक्सपीरियंस। अब रास्ता तो पता नहीं, मैप में तो ऐसे दिखा रहा है सीधा सीधा जाना है, तो जाते सीधा सीधा, और आगे जाके जहाँ कन्फ्यूजन हुआ तो पूछ लेते किसी को कि आगे से कैसे जाना है। तो ऐसे तो जगह, ऐसा कोई रिमोट जगह तो नहीं है, तो सबको पता ही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे जो रहता है उनके लिए। ये देखो मच्छी सुखा रहे हैं, बस इनका तो बिजनेस यही होगा मच्छी का। लेकिन आज कौन सा स्कूल है यार? ये क्या हो गया, ऑटो को बीच में ही रुका। धूप है कहीं कहीं है छाव जिंदगी हर पल यहाँ। ये देखो यहाँ भी जा रहा है एक रास्ता ऊपर। हाँ, ये अपना फेवरेट मोड आ गया है, सूखा मच्छी सुखाया गया है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे क्लीनिंग भी चल रहा है इनका, बहुत मेहनत का काम होगा ना ये, मेहनत किस में नहीं रखते। आज सुबह उठ के आने में मेहनत लगा मुझे, अलार्म नहीं बजा उसके बावजूद आने में मेहनत लगा मुझे। सूखा मच्छी हर जगह है, सूखा मच्छी। मुझे सूखा मच्छी इतना पसंद नहीं है, मीन बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल, और बहुत सॉल्टी भी लगता है, कुछ ज़्यादा सॉल्टी रहता है। पता नहीं, मैंने शायद अच्छा सूखा मच्छी खाया नहीं होगा अभी तक। जैसे सिर पे टोकरी रखते तो इनको पीछे देखने नहीं होता रास्ता कि कोई गाड़ी आ रही है नहीं, बस क्रॉस कर लेता है। यहाँ पे सिर्फ कोकोनट के झाड़ होने चाहिए थे बस, ये तो पूरा गोवा ही लगता फिर तो।
बस उसकी कमी है। है यहाँ पे कोकोनट के घाट, बट ऐसे नहीं है जैसे गोवा या साउथ में लंबे लंबे होते हैं ना वैसे, ये देखो छोटे छोटे है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसके लिए इसे मिनी गोवा कहते हैं, ऐसे नहीं बोलते मिनी गोवा। ये रास्ता आ गया, यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ पे एक मार्केट भी आता है यार, मुझे वो रास्ते पे नहीं जाना है, इतना क्राउड होता है वहाँ पे और इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा। तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट रोड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं उस मार्केट वाले रास्ते पे ही जा रहा हूँ, बट मैंने तो कोई मोड़ लिया नहीं, मैं तो सीधा सीधा आया जैसे मैप में दिया था वैसे। So I shouldn't be wrong, right? उत्तन सी फूड, खास करके उत्तन के, यहाँ से भी मैं आई एम श्योर अच्छा खासा फिश एक्सपोर्ट होता होगा। नो भाइंदर से होता है, भाइंदर का फिश मार्केट भी काफ़ी बड़ा है जो भाइंदर वेस्ट में है, एंड वसई से भी होता है, मलाड से भी होता है। बहुत मेहनत करते यार ये लोग, दो दो दिन जाते हैं, आई मीन दो दिन नहीं दो वीक भी जाते हैं कभी कभी। तो याद ही होगा मैंने उस बंदे से जो बात की थी, और बहुत रिस्क भी होता है मुझे जहाँ तक लगता है लाइफ को, पानी में पता नहीं कभी कहाँ वेदर ख़राब हो जाए। आई एम श्योर है लोग वेदर का ख्याल रख के जाते होंगे, वेदर डिपार्टमेंट इनको डायरेक्शंस देती होगी कि जाना चाहिए कि नहीं पानी में। अरे ये तो वही मार्केट एरिया आ गया, आई हेट द मोस्ट, अब पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आ गया, क्या करते यार, मेरे को नहीं जाना है यहाँ पे, नहीं जाना है यार यहाँ पे, क्या रोड बहुत थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, मैं से रोड याद रखने में बहुत पुअर हूँ टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे याद रहता है बट कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत डिटेल में याद रहता है, तो इतना डिटेल में तो मुझे याद नहीं रहता। बट आज ये मार्केट इतना क्राउडेड नहीं लग रहा है, शायद मैं लास्ट टाइम आया था तभी संडे था, नहीं संडे नहीं था उस दिन भी सैटरडे ही था, आई डोंट नो, लीव इट एनीवे, लगता है मार्केट वो ख़त्म हो गया, ये और चालू हो रहा है आगे। देखा जी, जिनके सिर पे टोकरी होता है वो तो बेचारे देख ही नहीं पाते आजू बाजू गाड़ी आ रही थी इस जजमेंट पे। मैं क्यों आया यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अच्छा खासा रास्ता था, चलो यहाँ से राइट मारते हैं। ऑटो वाले को पूछते हैं, भैया पूछ, भैया 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 उत्तन लाइट हाउस के लिए रास्ता कहाँ से, उत्तन लाइट हाउस, उत्तन लाइट हाउस, उत्तन लाइट हाउस, लाइट हाउस है ना वो लंबा सा टावर है ना पानी का, हाँ वेलंकनी चर्च का रास्ता कहाँ से, हाँ लेफ्ट लेना, लेफ्ट से सीधा, ठीक है थैंक यू जी। हज़ार लाइट क्यों हमारा बाबा, हाँ से लेफ्ट है, लगा ही था ये लेफ्ट होगा। हाँ यहाँ से आया था लास्ट, वो रहा ऊपर लाइट हाउस, वो रहा मुझे दिख रहा है, यहाँ जाना कैसे, यही से कहीं पे राइट होगा, देखते हैं जाकर। तो भैया पहुंच गए हैं हम लाइट हाउस विदाउट गूगल मैप्स, हाय 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 क्या व्यू है,
तक कोई नहीं आया है आज. लुक्स क्वाइट लोनली यार. वैसे मुझे लाइट हाउस पहले से बहुत लोनली लगता था. कोई भी मैं लाइट हाउस हूँ ना, दिखने में एकदम लोनली लगता है कोई भी लाइट हाउस, इवन दिस वन. अच्छा ये डेड एंड है. यहाँ से तो कोई व्यू नहीं है, आगे जाके देखते हैं. एक घंटा हो गया है घर से निकल के, 10 बज रहे अभी. अच्छा बाइक अलाउड नहीं है? बाइक भी नहीं और आदमी को भी नहीं. हाँ नहीं अलाउड नहीं है. अच्छा पहले था ना अलाउड? पहले था क्या? अभी कोविड के वजह से नहीं है क्या? अच्छा अभी कभी खुलेगा वापस? अच्छा अच्छा ओके ओके. तो भाई आना अलाउड नहीं है. थैंक यू. आना तो अलाउड नहीं है बट हम तो आ गए भैया. लाइट हाउस भी देख लिया पर ड्रोन नहीं उड़ा पाए. कहाँ भी घुस जाते हो भैया तुम. चलो नज़ारा तो देख लेते. हाँ मस्त है. कोस्टलाइन लग रहा है, कोस्टलाइन दिख रहा है पूरा. कोई बात नहीं अभी जाएंगे नेक्स्ट वेलंकनी चर्च. वेलंकनी चर्च काफ़ी पॉपुलर चर्च है यहाँ पे. ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चर्च है. तो मैंने बहुत सुना हुआ है इस चर्च के बारे में. क्या हो गया भाई? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है वेलंकनी चर्च, जहाँ तक मैंने मैप में देखा था. वेलंकनी माई. हाँ वो रहा चर्च, यही होगा. अंकल ने पहले बता दिया. देखो यहाँ पे कभी भी ये लेफ्ट ले सकते हैं टोकरी वाले जो लेडीज़ है, तो आप स्लो हो जाओ. अंकल जी मुझे पहले पता था. मस्त लग रहा है ये जगह. पिकनिक स्पॉट. छाव वाला जगह ढूंढना पड़ेगा भाई. यहाँ पे अच्छा होगा. ये अच्छा जगह है, छाव है यहाँ पे. यहाँ पे भी बहुत मच्छी सुखाया गया है. यहाँ पे नीचे भी जाता है बाइक, बट मैं नीचे जाने का रिस्क नहीं लूँगा बाइक अटक गया तो. छोटी छोटी मच्छियाँ हैं तो सूखने में पता नहीं कितना टाइम लगता है. आंटी को पूछ सकता था, आंटी बहुत दूर खड़ी. तो अभी मैं पहुँच गया हूँ उत्तन. लाइट हाउस तो मैं जा नहीं पाया जैसे कि आपने देखा. तो अभी मैं यहाँ पे आगे वेलंकनी चर्च यहाँ पे हूँ. यहाँ पे कहीं पे पीछे है वेलंकनी चर्च, और ये यहाँ पे मैं मस्त बीच का व्यू देखने आया था. यहाँ पे बाइक रुका दिया छाँव में,
एक खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे, बाइक जाता है नीचे तक, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, बाइक फंस भी सकता है क्योंकि थोड़ा वेट है सैंड, बहुत कम लोग है सैटरडे आज फिर भी। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सारे मच्छी सुखाए हुए है, वहाँ पे कुछ फिशरमैन मच्छी आई थिंक, हाँ वहाँ पे भी सुखा रहे हैं वो लोग, तो बड़ा सा ग्रुप है, यहाँ पे पूरा मच्छी सुखाए हुए है। पे अगेन अच्छी सुखा हुआ है, यहाँ पे कुछ तो मेंशन किया हुआ है, वेलिंगटनी श्राइन के परिसर में थी भाईकान सा पवित्र श्रद्धा स्थान आए, सदरचा परिसर हाँ वेलिंगटनी श्राइन सा देशी देख रखी खाली असून अपना ही हा जागे से पवित्र रखने साथी सरकारी करावे। यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉपर सनशाइन मिलेगा इन मच्छियों के लिए, एकदम कड़क धूप इस पर गिरा है, बहुत ही जल्दी सूख भी जाएगा आई थिंक। हाँ हाँ दोन तास, दोन तास मध्ये सुकून जातो आणि मग तुम्ही कुठे नेतात याला? याला विकतात काय? हे काय झालं याला, खराब हो गया क्या? अच्छा प्रॉन्स है आई थिंक, ये प्रॉन्स नहीं है ये लॉबस्टर काइंड ऑफ है, छोटी ये कोई मच्छी है एक्चुअली, पूरा कलेक्ट कर रहे मच्छी। तो ये था मेरा एक छोटा सा एक्सप्लोरेशन मेरे घर के आसपास जो जगह है उनका, तो होपफुली आपको पसंद आया ये, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह कहीं पे जो कभी पहले एक्सप्लोर नहीं की थी, तब तक जहाँ भी हो स्टे सेफ, मिलते हैं कोई दूसरे व्लॉग में शूस्ट्रिंग ट्रैवल के, बाय।